उसने ठुकरा दिया, हमारी बच्चों को ठुकराया, हमारे जो जैसे श्याम सिंह सारी उम्र उनका काम किया था उसको ठुकराया, इस वजह से हम जोश में आ गए हैं। और दूर सिंह प्रयाग MLA जिसका निशान चुनाव निशान मशीन है, उसको बारी से बारी सिर्फ में सब माए बहने और जितने भी बुजुर्ग हैं सब उन्हें वोट देकर दिल्ली में पहुंचाना है, यानी कि दिल्ली में पहुंचाना अभी जम्मू कश्मीर असेंबली में नहीं पहुंचाना है। जम्मू कश्मीर पार्टी ऊपर से हाईकमान बोले कि वो उसने उसे करना है, इसकी तो हमारी तो कोई बात ही नहीं, हम तो याद मिलकर हम तो खुले लड़ेंगे और छीन कर लाएंगे इनसे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल खंड मीठे लोग। तो दर्शकों, आज जो है फिर आपके लिए स्पेशल कार्यक्रम लेके हम हाजिर हुए हैं। तो आज हम जानना चाहते हैं जनता की राय, जिस तरह से पहले भी जानी है और हम प्रयास करते रहते हैं कि सच्चाई जो है सामने लाई जाए, ग्राउंड में जो है काम किया जाए। तो आज कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर जो बात आज हम पहले ही बता दूं कि बात आज हम करेंगे रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां पे मुकाबला जो है त्रिकोणीय अभी तक देखा जा रहा है। एक और है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अर्जुन सिंह राजू जी, दूसरी ओर सूरज सिंह परिहार जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, और साथ ही साथ भाजपा के राकेश ठाकुर। तो अब हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है, इससे जानेंगे क्या है इनकी राय। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि चुनावी माहौल, चुनावी पारा तो काफी गर्म है, तो किस किस तरफ जो है हवा हवाओं का रुख है देश, किस तरफ है वो आप बताइए। देखिए, जहाँ तक चुनाव का सवाल है तो यहाँ पर हमारे पास तीन कैंडिडेट हैं, एक हमारे बीजेपी से हैं राकेश जी, और हमारे एनसी से हैं एडवोकेट अर्जुन सिंह जी, और हमारे इंडिपेंडेंट जो हैं जनाब सूर्य सिंह साहब। तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है, जहाँ तक मैंने अब तक सर्वे किया है, मेरा अंदाजा यही है कि यूथ जो है इस बार यूथ ने ये जो ठेकेदारी वाला सिस्टम है इसको खत्म किया है, और यहाँ की यूथ रामन की यूथ जो चाहती है हमारे पास कोई ऐसा लीडर हो जो असेंबली में जाकर अच्छी तरह से बोले। आज तक हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे पीछे यही वजह रही है कि हमारे लीडर जो है इन लीडरों ने कुछ काम नहीं किया हुआ, हमारे एनसी के हो चाहे बीजेपी के हो, जो भी आज तक जीतते आए हैं, लेकिन इन्होंने डेवलपमेंट का कोई काम किया ही नहीं है। इसीलिए हमारा डिस्ट्रिक्ट रामबन पूरे J&K में सबसे पीछे। वजह जो है, बुनियादी वजह इसकी ये है कि जो हमारे लीडर हैं यहाँ के, ये किसी काम के लिए। इसलिए जो इस बार जो मैं देख रहा हूँ कि जो यूथ है वो सूर्य सिंह परिहार की तरफ जा रहा है, जो सिलाई मशीन इनका निशान है, और मुझे तो यहाँ तक लगता है कि इनके मुकाबले में कोई नहीं। जी, सूर्य सिंह परिहार। तो एक और भाई साहब हमारे साथ मौजूद है, भाई साहब बताइए कि क्या लग रहा है आपको, मन की राय बताइएगा कि रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस बार रामबन में किसकी बनेगी सरकार। देखिए, जहाँ तक यहाँ पे लग रहा है कि जो रामबन की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे जो हमारे एडवोकेट सूरज सिंह परिहार है, ये भारी मात्रा अच्छी लीड से जीतने वाले हैं, साथ मौजूद है। भाई जान, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है आसिफ अहमद। आसिफ अहमद जी, इस दफा जो है क्या लगता है कि कहाँ पे नौजवानों की, युवाओं की सोच किस साइड पे है? सबसे पहली बात आपका धन्यवाद, उसके बाद सूरज परिहार यहाँ पे आए, गाँव गाँव आए, और जनता का आपने देखा कितना जोश है, युवा जो है, इतने जवान लोग, इनका जोश है, तो आपको तो पता ही लगता होगा किसकी सपोर्ट करेंगे। तो हम सब इसके साथ में हैं, किसके साथ में? सूरज परिहार के साथ में हैं। तो जनता का आप ही देख रहे हो कितना इंतजाम कर रखा है सूरज परिहार के लिए, आप लोग देख रहे हो। तो अभी धर्मपुर में भी है, तो हमारे वहाँ पे एक रोड की समस्या है, यहाँ से अभी बोला लोगों ने हमें, आज तक 5-10 साल हो गए वोट देते हुए, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। ये आपको देख रहा होगा 3 किलोमीटर का रोड है, इस ये रोड नहीं आया है, और यहाँ की जो जनता, मतलब कोई भी मतलब नेता लोग हैं, वो बोलते हैं हम लोग इस रोड को नहीं बनने देंगे, हम लोग उनको दिखाएंगे ये रोड कैसे बनेगा। जी, हम सूरज परिहार के साथ में रहेंगे और उनको जिताएंगे, और सिलाई मशीन को बटन को दबाएंगे और उनके साथ में रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो हमारे साथ यहाँ पे एक और मौलवी साहब मौजूद है। मौलवी साहब, सबसे पहले तो जनता को आप अपना नाम बताइए। रियाज अहमद मलिक जी, इस दफा जो है आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? सूर्य सिंह परिहार को। क्या पार्टी नहीं, आजाद जी, आजाद कैंडिडेट है। तो मुझे बताइए कि आप सूर्य सिंह परिहार को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाकी वाले भी जो है काफी दमखम लगा रहे हैं, आप किसको अपने मुकाबले में मानते हैं, और सूर्य सिंह परिहार को ही आप क्यों?
सूरज सिंह परिहार जो है वो जनता को आगे करने वाले हैं, गरीबों का उनको विश्वास है, इसलिए जनता ने इस बार फैसला किया है कि किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करनी है। आजाद कैंडिडेट सूरज सिंह परिहार के जी, लेकिन मुकाबला जो है आप किसको मान रहे हैं कि कौन है? आप कह रहे हैं कोई नहीं है टक्कर, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, आखिर क्यों नहीं है टक्कर में, क्या कह रहे हैं? मुकाबला फिलहाल हमारे साथ जो इस वक्त चल रहा है वो एनसी का ही चल रहा है, बीजेपी, यानी कि एनसी का ही चल रहा है, बीजेपी जो है तीसरे नंबर पे। कुल मिला के आपकी सपोर्ट भी परिहार को ओपन है, तो धन्यवाद। तो हमारे साथ एक और युवा मौजूद है, मैं आपको बता दूं कि इनका जो है पहला वोट है। भाई साहब आपकी सबसे पहले एज बताइए। तो इस दफा आपका पहला वोट है, तो किसको आप जो है अपना पहला वोट किसको देंगे? सूरज सिंह परिहार। सूरज सिंह परिहार में ऐसी क्या खास बात देखी कि पहला ही वोट आप उसको दे रहे हो, हालांकि मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा भी, वकील तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी है, लेकिन बंदे मतलब पसंद है क्या, कोई शक्ल में पसंद है या कोई काम में पसंद? शक्ल में पसंद नहीं, क्योंकि काम करेगा बंदे का बोलना चलते पता। परसों रात को 12 बजे सूरज सिंह परिहार जो है खतर गए, और अभी तक जो राजू है अर्जुन सिंह राजू वो हमें अभी तक कभी नहीं। ये बड़ी बात कह दी कि सूरज सिंह परिहार जो है अभी तक खतर पहुंच गए, और इन भाई साहब का कहना, आपका कहना है ना, ये कहना है कि अर्जुन सिंह राजू अभी तक कभी में दिखे नहीं, अर्जुन सिंह राजू जी अभी तक कभी में दिखे भी नहीं, ये भी बड़ी बात हो सकती है, जो कि युवाओं का जो है दूसरी साइड जा रहा है, जब हमारे पास कोई वोट लेने आया नहीं तो हम क्यों देंगे, यही आपका कहना है। तो पहला वोट आप घरवालों का, चाचा चाची जितने भी, जहाँ तक हमारी पहुंचे हम पूरा वोट सूरज सिंह परिहार को, सूरज सिंह परिहार को वोट दिलाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आप सबसे पहले बताइए कि इस बार किसका होगा बेड़ा पार? हमारा सूरज सिंह परिहार MLA जिसका निशान चुनाव निशान मशीन है, उसको बारी से बारी सीट में सब माए बहने और जितने भी बुजुर्ग हैं सब उन्हें वोट देकर दिल्ली में पहुंचाना है, यानी कि दिल्ली में पहुंचाना, अभी जम्मू कश्मीर असेंबली में नहीं पहुंचाना है, जम्मू कश्मीर असेंबली में पहुंचाना, उसके बाद दिल्ली भी पहुंचाना है, और आने वाले वक्त में उनको MP भी बनाएंगे हम, लेकिन तो बात नहीं है। क्या बात है, लगता है इस बार आपके जो कैंडिडेट है आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं कितनी वोटों से कितनी एक्सपीरियंस से यहाँ से जीतेंगे? तकरीबन 20-30-35 हज़ार के आंकड़े से ये जीतेंगे यहाँ। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को आप लास्ट पे? जनता को ये मैसेज देना चाहेंगे कि चुनाव निशान जो हमारा मशीन है, और सूरज सिंह परिहार को एक ईमानदार आदमी को अच्छे से अच्छे एक्सट्रीम में वोट देकर कामयाब करें। लेकिन भाजपा वाले भी काफी नाराज हो जाएंगे सर, भाजपा वाले राज होंगे, वो जो उन्होंने काम किया वो उनका है, इस वक्त हमारा सूरज सिंह परिहार भी हमारे सूर्य, भाजपा वालों ने जो है कहना है कि काम वैसा ही किया है जिससे कि हम जो है सूर्य सिंह सपोर्ट करने में मजबूर जानते हैं पूरे इलाके को अच्छे से। क्या लगता है इस इलाके में जो है अब की बार कहाँ जा रही है जो वोट, लोगों की, युवाओं की, बच्चों की, बुजुर्गों की जो वोटिंग सिस्टम कहाँ जा रहा है? सूर्य परिहार ही क्यों भैया, है ही सूर्य परिहार जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है और बीजेपी भी है खाने के लिए सब है, लोगों ने पार्टी छोड़ दी है, आजाद लड़ रहे हैं, आजाद उम्मीदवार सब दुनिया एक सेट, उनके साथ तो कोई है नहीं, देख जाओ, देखो जाके आगे देखो पीछे देखो, सूरज परिहार की भी रैलियां देखो, उनकी भी देखो। क्या बात है भाई, आपने कह दिया सूरज परिहार की भी रैली, बड़ी बात कह दी। तो आप हमें एक और बात बताइए कि बाकी जिस तरह से लोगों का आरोप है कि काफी यहाँ पे पहले भी MLA चुन के गए लेकिन उसके बाद जो है जीतने के बाद शक्ल नहीं दिखाई, क्या पता हो सकता है सूरज जी भी ऐसा ही करें? देखिए जो पार्टी का बंदा होता है वो पार्टी के पीछे दौड़ता है, जैसे पार्टी ऊपर से हाईकमान बोलेगी वो उसने उसे करना है, इसकी तो हमारी तो कोई बात ही नहीं, हम तो याद मित्र, हम तो खुले लड़ेंगे और छीन कर लाएंगे इनसे। क्या बात है, जज्बा देखिए आप कि छीन के लाए, वो जज्बा है तो तभी तो दुनिया ने खड़ा किया, सूर्य परिहार खुद खड़ा थोड़े हुआ है, ये दुनिया का कैंडिडेट है, दुनिया ने खड़ा किया। अच्छा भाजपा को जो है आप कौन से नंबर पे देखते हैं? तीसरा। दूसरा फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी कि आपका मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस से? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने वोटों से कितने बहुमत से यहाँ से जीते? क्या बात कर रहे सर, ले रहे दो दो चार चार दस 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 हजार वोट सर, बड़ा साहब का ये जब दुनिया एक सेट है
तो पार्टी क्या करेगी? अभी यहाँ से उधर से आगे राजनाथ सिंह थोड़े वोट बुला सकता है, ये तो लोगों ने देना है। फैसला किसने करना है? ये लोगों ने करना है। लोगों ने फैसला कर दिया और उतार दिया उसको, भाई तू आ जाओ हम तुम्हारे साथ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, काफी बने टाइम। तो हमारे साथ यहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति भी मौजूद है, चाचा सब तो पहला अपना नाम दसो। मीरचंद। मीरचंद जी, क्या कहना चाहते हैं आज, क्या किस तरफ जो है हवा जा रही है? हम पट बीजेपी के बंदे थे, तीन दफा हमने जितेंद्र को जिता के भेजा है उधर, हमारे बोर्डों से जीता है जितेंद्र साहब, और हमारी जनता गई उधर और उसने देखा भी नहीं है कि उसका काम फगे उधर, हमारे से जीत कर गया था रामराम राणा फगे, अपना कैंडिडेट थे वो, जनता को पूछना था, हमारी जनता भी उसके उसने ठुकरा दिया, हमारी बच्चों को ठुकराया, हमारे जो ये श्याम सिंह सारी उम्र उनका काम किया था उसको ठुकराया, इस वजह से हम जोश में आ गए हैं। और ये कोई बड़े हादसा का कसूर नहीं है, हमारी जनता का कसूर है कि हमें क्यों ठुकराया तीन दफा जितेंद्र, हम बीजेपी को बदनाम नहीं करते, हम अपने जो इधर से तीन दफा जिता आया और तीन दफा इधर आया शक्ल नहीं देखी उधर जिता के देखा, क्या बात हमारी अपनी बात नहीं सुनते थे। कहीं ना कहीं भाजपा से नाराजगी आपको टिकट को लेकर, क्या चलो किसी में भी देते थे मगर इधर आके पूछना था क्या ये जनता को, लेकिन उधर जाके भी हमारे उसको ठुकराया है, 3000 दुनिया गई थी तो उसमें चाचा जितेंद्र को जितेंद्र।